आज आप जैसे मैंने बताया था कि आज हम लोग का गेचू का कम्युनिकेशन का दीक्षांत समारोह और इसमें मेरे क्लासमेट्स हैं और भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो आज सब लोग यहाँ उपस्थित है अपनी अपनी डिग्री लेने के लिए। आज हम लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसा महसूस हो रहा है, करीब दो साल तक कम्युनिकेशन कोई नहीं हुआ था, अभी दो साल के बाद हो रहा है, तो फिर बाकी मित्रों जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डिग्री मिलना अपने आप में बड़ी उत्साह और खुशी की बात होती है। तो मेरे मित्र हैं, आपको बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। बस अपना पहुंचे मैंने मिस संदीप कुमार यादव, मैं बीएचयू से सोशल फैकल्टी से सोशियोलॉजी से एमआई किया हूँ, यहाँ आज डिग्री मिल रही है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पिछले दो साल बाद हम लोग अपने पुराने मित्रों के साथ मिले हैं और बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बात तो है कि उत्साह तो बहुत है सर, आप देखिए सामने उत्साह लोगों में बहुत बड़ी पड़ी है, देखिए भीड़ देख रहे हैं आप लोगों की, उत्साह बहुत है। अभी ये मेरे मित्र आपको भी बताएंगे अपने बारे में, कैसा इनको लग रहा है, बताइए सर कुछ। चलिए अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी मेरे मित्र ये भी हैं, ये भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा फील हो रहा है, कैसा क्लासेस रहा है। बहुत लग रहा है कि पहले जैसे क्लास चल रहा था हम लोग का, वैसे आज लग रहा है बस। ये बात वाकई बात सही है भाई कि दोस्तों से मिलना मतलब लंबे समय बाद अपने आप में बहुत मजे की बात है। हालांकि अभी हम लोग का टर्म तो नहीं आया, हम लोग करीब वही 4-5 दिन मिलेगा, तो आगे आपको दिखाएंगे कि हम लोग का जो डिग्री मिल रही है, जो वहाँ का अंदर का सीन है, अभी हम लोग बाहर खड़े देखेंगे, बाहर काफ़ी सारी भीड़ होकर लोग अपने अपने टाइम पर वेट कर देखेंगे अपने। तो अभी हम लोग अगले कुछ टाइम बाद मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों भी हमने कुछ देर पहले अपने कुछ पुराने मित्रों के साथ मुलाकात करी थी, तो उनमें से ये दो मित्र भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं और काफ़ी करीबी मित्र हैं, हम भी आपका इनसे परिचय कराते हैं, अभी दो साल बाद आए कैंपस में अपना डिग्री लेने और काफ़ी अच्छा लगा सबसे भी। ये मेरे मित्र नीलेश हैं, ये बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है, मतलब आज लग कैसा रहा है कि भाई दो साल बाद कैसा मिलना, मित्रों से मिलना कैसा फील कर रहे हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग सब मिल रहे हैं, सारे लोग अच्छी अच्छी जगह पे जा चुके हैं, लोगों से इस कितने दिन बाद मिला हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक कई सदियों बाद मिल रहे हैं, चेहरे से लेकर के सब कुछ बदल चुका है। सही बात, अभी लंबे अरसे बाद मुलाकात हो रही है, हमारे इनसे मिले, हमारे काफी घनिष्ठ मित्र हैं भाई, इनसे मिले, अंडमान से आए हैं, मेरे इन्होंने किया तो थोड़ा बताइए अंडमान का आपका अनुभव कैसा रहा। नमस्ते मित्रों, अंडमान का अनुभव बहुत ही शानदार है, वहाँ पे बीच पे जाके अलग अलग बीच पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, वहाँ पे जाके ये लगा कि हम नज़दीक रहने के क्या फायदा होगा। सर आपसे एक सवाल है कि मतलब जो बच्चे गांव रहते हैं, आप पहाड़ी के फोकस नहीं करते, तो आपके हिसाब से बच्चों को कैंपस या किसी यूनिवर्सिटी में जाके क्यों पढ़ना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, मतलब उनको पढ़ना ही क्यों चाहिए, बाहर निकल घर से बाहर क्यों निकलना चाहिए, कैंपस में आए यूनिवर्सिटी पढ़े वो बाहर निकले, तो इनसे उनको क्या लाभ होगा। एक कहावत है कि कुएं का मेढक नहीं बन के रहना चाहिए, बाहर आने के बाद अलग अलग परिस्थितियों से मतलब सामना करना पड़ता है और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, इसीलिए बाहर तो निकलना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि गांव में एक जगह कहीं रहे, और अगर यूनिवर्सिटी हो और पीएचडी जैसा यूनिवर्सिटी बहुत सही बात है, आपने काफ़ी अच्छी बात की। और आप पीछे देख सकते हैं लोग यहाँ पे टी स्टॉल है और यहाँ पे लोग काफ़ी लोग छाए हुए पीते आगे का माहौल तो बना होता है। अभी हम लोग आपको आगे और सीन दिखाएंगे जब हम लोग की डिग्रियाँ बटेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग का टाइम आया नहीं, हम लोग का टाइम लेट है, 4 बजे के बाद मिलेगा हम लोग, तो अभी हम लोग कुछ देर बाद मिलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि आगे जो डिग्रियाँ मिले वहाँ का माहौल क्या है, क्या सीन है, वहाँ कितना मनोरंजन है, कितना उत्साह बच्चों में, तब तो मिलते हैं आपको आगे, ठीक है। हाँ जैसे मैंने बताया था कि मुझे डिग्री कुछ देर मिलेगी, तो वेट ही कर रहे हैं। आइए, ये हमारे मित्र हमारा अनुभव है, इस वक्त हम बहुत ललन टॉप है और किसी चीज़ होने वाली साथ वो भी ललन टॉप होगी, और जो भी ये चैनल जहाँ भी ये लोग बना रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इनको मिलियनर बनाओ, मिलियनर बनाओ, आगे बढ़ाते रहो लाइफ में, खूब आगे बढ़ जाएं और इनके बाल बच्चे भी अच्छे से आगे बढ़ जाएं, सब अच्छा हो जाए। अभी ये सारे लोग डिग्री के लिए वेट कर रहे हैं, तो हम आपको आगे पल पल की जानकारी देते रहेंगे,
मौके मिल जाए तो लगे नहीं साथ हमारे।